फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं, मैं तैयार हूँ। उनके अंदर सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य। अग्रवाल जी, राजकुमार अग्रवाल जी सामने हैं। फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छी होंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं, मैं तैयार हूँ। आज अभी रेडी हो गई हूँ और सुबह का टाइम है। अभी कितने बज रहे हैं? 9:45 हो रहे हैं अभी, और 9:45 बजे हम लोग तैयार हैं। अभी सब कोई कहीं जाने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहें, पता चलेगा मैं कहाँ जा रही हूँ सुबह सुबह इतनी ठंड में। यहाँ पर हम लोग फल ले रहे थे चढ़ाने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए आश्रम में। हम लोग आश्रम जा रहे हैं। फ्रेंड्स हम लोग पहुँच चुके हैं आश्रम, संत मत आश्रम दिल्ली है ये, वहीं पे हम लोग आ रहे थे। आज महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज का जयंती है, वही जयंती मनाने हम लोग आश्रम आए हुए हैं। देखिए, और यहाँ पे अभी सत्संग हो रहा है, और हम लोग सबको आए हैं, पूरी फैमिली के साथ आए हैं। फ्रेंड्स सत्य प्रकाश बाबा का प्रवचन चल रहा है। ये बाबा भागलपुर कुपा घाट से आए हुए हैं, और इनका प्रवचन बहुत ही अच्छा होता है, हम लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। वह देवताओं जिनकी वो पूजा कर रहा है, वे देवता उसकी पूजा करने लगे। वो देवताओं के लिए उनके पास आया था इस महात्मा यहाँ पर। अग्रवाल जी, राजकुमार अग्रवाल जी सामने हैं, वो भी पूज्य संसेवी महाराज को ध्वजार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पोदार जी, प्रहलाद पोदार जी की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। पूज्य स्वामी सत प्रकाश जी महाराज को ध्वजार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सतगुरु महाराज की जय। फ्रेंड्स सत्संग के बाद यहाँ पर श्रद्धांजलि सबको दे रहे हैं। श्रद्धांजलि देने के बाद यहाँ पे भंडारा हो रहा है, सबको हम लोग खा रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, और अच्छा लगता है यहाँ का प्रसाद पाकर। और यहाँ पे सत्संग सुन के भी मन शांत लगता है और अच्छा लगता है, खुशी मिलती है अंदर से। और फ्रेंड्स यहाँ का भंडारा का प्रसाद बहुत ही टेस्टी होता है। फ्रेंड्स भंडारे के बाद हम लोग सत्संग हॉल में आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे हॉल में ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम होगा, जिन लोगों को ध्यानाभ्यास करना है वो लोग करेंगे, और हम लोग जो है थोड़ी देर के लिए छत पे चले गए थे क्योंकि बहुत ठंड लग रही थी, सुबह सुबह गए थे। और देखिए हम लोग छत पे हैं, बच्चे लोग भी हैं, धूप अच्छी थी छत पे। उसके बाद छत के बाद हम लोग फिर हॉल आ गए, आश्रम का जो हॉल है यहाँ पे फिर सत्संग होगा, पहले भजन होगा।
खरीद रही हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर अभी भजन चल रहा है, अच्छा लगता है भजन गा के सुन के, और भजन के बाद फिर प्रवचन होगा, सत्संग होगा, प्रवचन होगा, और प्रवचन सत्संग ये सब के बाद हम लोग फिर प्रसाद लेकर घर चले जाएंगे, तो शाम हो जाती है जाते जाते, लेकिन अच्छा लगता है आश्रम आकर। फ्रेंड्स सत्संग खत्म हो चुका है, देखिए अब हम लोग जाएंगे, तो सत्संग के बाद सब कोई अपना चप्पल ले लेते हैं चप्पल स्टैंड से, उसके बाद प्रसाद हम लोग लेते हैं, सबको प्रसाद मिलता है तभी अब जाने दिया जाता है यहाँ से। और फ्रेंड्स देखिए सब भंडारा वगैरह ख़त्म हो गया है, और ये गार्डन है थोड़ा सा आश्रम का, देखिए थोड़ा बहुत सब्जी और सब उगाते हैं बाबा लोग, और अब हम लोग घर चले जाएंगे। हम लोग घर पहुँच चुके हैं और शाम हो गई है, हम लोग थक भी गए बहुत ज़्यादा, तो मैं यहीं पे ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।